यार आपने एक बात बताई नहीं, कुर्ता कैसा लग रहा है? बहुत वक्त के बाद ये कुर्ता पहना है, और ये भी मेरा नहीं है, नहीं, पापा का भी नहीं है, दादा का है। ये उनको एज अ गिफ्ट मिला था। ही इज लाइक, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस मटीरियल, एंड आई एम लाइक, हेलो, आई वॉन्ट दिस, क्योंकि कुर्ते बहुत पसंद है। पता नहीं, एक अलग ही पर्सनैलिटी बाहर आती है अपनी। आई फील रियली कम्फर्टेबल, इट्स लाइक घर के ऊपर एक घर है, तो अच्छा लगता है। तो बताइएगा कैसा था, फिर मैं आपको सवाल पूछूंगा। हाय, चाय? जब जब दादा की बात निकलती है ना, हमेशा पुराना घर याद आता है, टेनामेंट, सोसाइटी वाला घर। वैसे 3 माले का था, पर ऐसा लगता था कि हर फैमिली को बहुत छोटी जगह है, पर फिर भी वो घर जैसा था। वहां पे मैं बचपन खेला, वैसे कुछ बात, क्योंकि आई थिंक वहीं से दोस्त बने, वहीं से यारी हुई, वहीं से क्रिकेट खेले, कितनी बार अपने घुटनों को छीला है, वहां पे साइकिल चलाना सीखा है, साइकिल चलाते चलाते फाइट्स भी की है। नहीं, सो क्या होता था, हम एक सर्कल में साइकिल चलाते थे सभी लोग, और फिर अपने फ्रंट टायर से आपको पीछे वाले को गिराना है। आई नो दैट्स वियर्ड, बट लोगों को बहुत मजा आता था कि आपको अपना पीछे वाला टायर दूसरे के आगे वाले टायर में भरा देना है और फिर वो गिर जाएगा, लाइक दैट। सो वो सारी चीजें सीखी है, बस दादा का नाम आया और वो चीज हुई। नहीं यार, दादा के बारे में बात नहीं करेंगे, उनके लिए अलग चैप्टर है। पर ये जो सोसाइटी की बात है, यारों दोस्तों की बात है, क्रिकेट खेलने की बात है, टेजो फाइट खेलने की बात है, फिर वो छोटा सा क्या कहते हैं, टेबल क्रिकेट जो आता था, छोटा सा बैट, छोटा सा वो बॉल, उससे क्रिकेट खेलते थे, वो सारी चीज़ें। अब बात उस टाइम की है जब सोसाइटी में अपना एक दोस्त बना था, मेरे घर के बाजू की ही गली वाला एक दोस्त, जिसके साथ मैं क्रिकेट खेला, पर सबसे ज्यादा मैं क्रिकेट सीखा। ही वॉज अ फैंटास्टिक प्लेयर, बहुत अच्छा इंसान, बहुत नई नई चीजें सीखने को मिले, काइट्स कैसे चलाते हैं, चगाते हैं, या जो भी, उसी से सीखा था। सो यू नो, व्हेन यू लर्न समथिंग फ्रॉम समबडी, यू फील रियली कनेक्टेड कि यार ये इंसान मेरे को बेहतर बना रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो मजा आ रहा था। वैकेशन आते गए, समर वैकेशन, तो हमारी मुलाकातें बढ़ती गई, एंड देन आई फेल्ट कि यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मैं उसके साथ अपनी टेजो, उसमें जो 40-60 का जो टेजो आता था, या फिर पिकाचू का जो सबसे बेहतरीन येलो कलर का टेजो आता था, वो अगर शेयर कर सकता हूँ तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और वो भी कभी कभार वैसे ही नई नई चीज़ें लाता था तो मेरे साथ शेयर करता था। तो मैंने उसको एक बार पूछ ही लिया कि यार तू मेरे को बेस्ट फ्रेंड मानता है, क्योंकि मैं तो तेरे को मानता हूँ। तो उसने कहा हाँ। अब वो हाँ थोड़ा अजीब लगा, बट मैंने बोला ठीक है, चलो अपना कोई एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, मजा तो हो गए थे। अब जब अपन को कोई ऐसा स्पेशल फील कराता है तो अच्छा लगता है, फिर आप उसके लिए थोड़े पसेसिव हो जाते हो, फिर ऐसा लगता है कि उसके साथ अगर कुछ बुरा हो तो उस सामने वाले को मैं पीट दूं। और सच में एक बार ऐसा हुआ था। सो ये बात है समर वैकेशंस की, जब हम दोपहर के 3 बजे मिलते थे और शाम के 7 बजे तक क्रिकेट ही खेला करते थे। और हमारी सोसाइटी में ना बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो हम वहीं पे क्रिकेट खेलते थे, और वहां पे जितने भी आसपास के बंगलोज थे उनके कांच हमने फोड़े ही थे। सो वी वर इन फेमस फॉर दैट। अब बात ऐसी एक शाम की है जब हम ये सारा क्रिकेट विकेट खेल के बस बैठे ही थे, एंड वी वर अबाउट टू लीव घर जाने के लिए, क्योंकि फिर माँ का बुलावा आता है, खाना खाना, फिर वैकेशन होमवर्क करना, जो लास्ट डे पे ही करते थे जब स्कूल खुलनी होती थी। सो बस वैसे बैठे ही थे, और तभी किसी तीसरे इंसान ने मेरे उस बेस्ट फ्रेंड को अलग शब्द में कुछ कहा, विच वॉज नॉट इन अ गुड टेस्ट। इट वॉज समथिंग अराउंड जो होमोफोबिक होता है ना, कि किसी को ऐसे मीठा कह देना, या पता नहीं, बचपन से ही मुझे वो सारी चीज़ें बहुत खलती थी कि वाई वुड यू से समथिंग लाइक दिस। उसमें आप दो चीज़ें कर रहे हो, एक किसी और को ऐसा बोल रहे हो कि जो वो नहीं है, दूसरा जो वो इंसान है उसको भी डिग्रेड कर रहे हो, बिकॉज यू आर कोटिंग दैट पर्सन एज अ डिग्रेडिंग वे और इन अ डिग्रेडिंग वे। तो पता नहीं तभी से बहुत ज़्यादा होता था, और जब वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ हुआ तो अपना तो दिमाग सटका, मैंने उस इंसान को मारना शुरू किया। और तब क्या था, बड़ी हिम्मत थी हम में, हम भले छोटे थे पर कराटे आता था, तब कुछ येलो बेल्ट हमने 1 महीने में ही अचीव कर लिया था, सो आई न्यू फ्यू थिंग्स। तो मैंने एक आध दो किक मारी उसको, तो बोले अच्छा तू मेरे को कराटे करेगा, मैं बैट से मारूंगा। मैंने बोला हिम्मत है, तो हाथ पैर लगा के देखा,
फिर चलते हैं, एकदम शान पट्टी, पता नहीं कौन सा जोश जोश खेल रहे थे। अरे वो मूवी है ना शाहरुख खान वाली, जोश, वैसा बिच्छू गैंग वर्सेस ईगल गैंग। सो ऑल ऑफ अ सडन हम दोनों में यू मुक्काबाजी और फाइट वाइट होने लगी। अब वो मेरी किक या पंच से बच नहीं पा रहा था, तो उसका गुस्सा उसको आ रहा था, मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि मेरे दोस्त को बोल कैसे सकता है ऐसा, वो उसको कैसे कर सकता है ऐसा। नाउ दैट फ्रेंड वॉज लाइक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं उसको चुप रहा था, मुझे दिख रहा था। तो ये लड़ाई चल रही है। नाउ दैट थर्ड पर्सन जो ये सब बोल रहा था, ही फेल्ट हेल्पलेस, तो उसने सबसे नीचा तरीका अपनाया, ही बिट मी, बचकू, यहां पे उसने मुझे भर दिए दांत, और भर के छोड़े नहीं, ये दांत यहां पे लगा दिए, और तब इतना ज्यादा चुभा, भाई साहब मेरे मुंह से चीख निकल रही है, पर वो अपना मुंह निकाल ही नहीं रहा है कि भाई तू हाथ, अरे कुछ भी नहीं। फाइनली आई थिंक आफ्टर 2 to 3 minutes ऑफ मी, वो फाइनली छूटा हाथ, एंड देन आई सॉ कि पूरा ब्लैक हो गया है। आई स्टिल यू नो रिमेंबर कि यहाँ पे इतना 3-4 महीने तक ब्लैक रह गया था, बिकॉज आई हैव अ सेंसिटिव स्किन, तो रह गया था। दर्द उस बात का यहाँ पे नहीं हुआ था, दर्द उस बात का हुआ कि मैं जिस बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना लड़ा, इतना झगड़ा, वो साइड में खड़ा रहा था, ही डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट, नो शिट एट ऑल, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर Like a helpless fellow. Dude, I fought for you. I thought that we were best friends. Or at least I thought that तू मुझे consider करता है वैसे, but no. So दर्द उन दांतों का नहीं था, वो छूटी हुई मुलाकातों का था। I know उस age में इतना खुद सोच लेना it's too much. पर वो realize इतना ज़्यादा हो गया कि उसके बाद हमने कभी बात ही नहीं की। हाँ वो जो बचकू भरवाड़ यानी वो जो लड़का था, हिज फादर एंड माई फादर दे आर फ्रेंड्स, तो मामला वहां पे सुलट गया, पर वहां पे ना सुलटा। एंड दैट मेड मी रियलाइज के कभी कभार हम कुछ लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं, हम किसी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं जो वो शायद डिजर्व नहीं करते हैं, या फिर अगर वो डिजर्व करते भी है तो भी हम फुल फ्लो में जाने देते हैं, और वो भी नहीं देखते कि क्या सामने हमें कुछ मिल रहा है। आपकी तरफ से वाइब सेट हो रही है, पर क्या उनकी तरफ से वही वाइब आ रही है, या फिर दैट पर्सन इज जस्ट डूइंग टाइम पास, आपके जाने के बाद शायद वो किसी और के साथ बेस्ट फ्रेंड खेल रहा हो, यू नेवर नो। ये भले ही छोटी एज का एक्सपीरियंस था, पर जब मुझे आज भी बहुत सारे सवालात लोग पूछते हैं कि यार मैं किसी को बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, मैं देता हूँ, बट उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उल्टा मुझे इग्नोर किया जाता है, तब मुझे वो पुरानी बाइट याद आती है, और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, कभी कभार ये चीज़ें बड़ी म्यूचुअल होती है, आपको लेने देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप हो ही जाता है। इट्स अबाउट वाइब्स। किसी दोस्त के साथ बैठे इसे चाय की टपरी पे और बात कर ली, मन हल्का हो गया, वो शायद आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसने बात कर ली उसको मज़ा आ गया, वो शायद आपका बेस्ट फ्रेंड है। कभी कभार आप जब कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डाल देते हो ना, तब आपको संभलना चाहिए, और तब एक बार पॉज लेके सोचना चाहिए कि यार कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। तब जब आप स्टॉप कर दो ना, और फिर अगर वो इंसान वापस आता है तो, या फिर वो अगर पूछता है कि अरे ओके, तो ठीक है, वरना ये रिलेशन वीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। यार बचकानी बात, बचकानी घटना, उसमें कितनी सीरियस बातें मैं झाड़ गया, पर पता नहीं आज कुछ याद आ गया तो शेयर कर दिया, एक कुर्ता की वजह से शेयर कर दिया। पता है क्या, एक बात मैंने रियलाइज की है इतने कुछ सालों के एक्सपीरियंसेस के बाद, कि कुछ कुछ रिलेशंस को छोड़ के बाकी सारे रिलेशंस आपके टेम्पररी ही है। कुछ रिश्ते जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था, वो आपके लाइफ लॉन्ग रिलेशंस हैं, या फिर लॉन्ग रन रिलेशंस हैं। पर सामने कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको आप बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, यारी दोस्ती, वो कभी भी निकल सकते हैं। सो हौले हौले आगे बढ़ो, और ये देखते रहो, भले कितना भी आप प्योर क्यों ना हो, पर ये देखते रहो कि क्या ये म्यूचुअल है, क्योंकि अगर नहीं है तो एज अ ह्यूमन द वे वी आर वायर्ड नो बहुत चुभता है, फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और फिर उसी चीज का जो दर्द है, जो टॉक्सिक पना है, वो किसी और पे डालते हैं। गलती किसकी, चल उसकी भी,
पर कहीं ना कहीं हमारी भी, कि हमने वो थोड़ी सी अवेयरनेस ना रखी। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? किसी और का नाम याद आए ना आए, खुद का नाम जरूर लाना। आप किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? किसी और का नाम लाओ या ना लाओ, पूरे जहां का नाम लाओ या ना लाओ, खुद का नाम जरूर लाना। कभी कभार खुद के साथ बैठे बैठे अच्छा सा म्यूजिक सुनते सुनते चाय पी ली, वो लम्हा बेस्ट फ्रेंड है आपका, वो अपना साथ बेस्ट फ्रेंड है। जरूरत है लोगों की, ऐसा नहीं है, पर खुद की जरूरत ज्यादा है तो अपना भी इंपॉर्टेंस समझ लेना। और अगर कोई और है तो थोड़ा संभल के, थोड़ा सा पॉज लेके और थोड़ा सा पसीना बुझाने या फिर मिटाने की बहाने से ही रुक जाना और देखना कि सब कुछ म्यूचुअल है। अगर नहीं है तो उस हिसाब से ही रखो। बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, एंड इट्स नॉट नेगेटिवली सेल्फिश। ठीक है, ठीक है। सो कोई सवाल नहीं है, कोई बचपन की याद हो, दोस्ती के बारे में कुछ बात हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज थोड़ा ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो रहा है या फिर वो ज्ञान बाबा बन रहा हूँ, बट आई जस्ट थॉट कि मैं आपके साथ ये कहानी शेयर करूँ। या कुछ शेयर करना चाहेंगे अपनी कोई कहानी तो ज़रूर से बताइएगा, फिर मैं भी आपको जानने का ट्राई करूँगा, क्योंकि फिर मुझे भी म्यूचुअल पना चाहिए ना कि मैं शेयर करूँ और तो आप ही करें। चलिए मेरी जान, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलना कि क्या चल रहा है चाय पीते पीते या फिर कॉफ़ी पीते पीते, क्या ख्याल आता है, अगली बार शेयर करेंगे उसके बारे में। चलिए, कीप मुस्कुराना, बाय बाय, चाय ठंडी होगी।